कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से, जहाँ पर वो दोनों फिजी में अपने हॉलिडे के लिए जा रहे थे। उन लोगों ने एक लकी ड्रॉ में फिजी का ये ट्रिप जीता था और इन दोनों का नाम है विवान और सिया। विवान और सिया फिजी के इस हॉलिडे को बहुत एंजॉय कर रहे थे और इसी दौरान उन दोनों की एनिवर्सरी भी थी और उनके एनिवर्सरी के सुबह एक आदमी आकर उन लोगों को एक इनविटेशन कार्ड देकर जाते हैं, जहां पर ये लिखा था कि उन लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव एनिवर्सरी लंच अरेंज किया गया है। उसके बाद उन दोनों को एक रिसॉर्ट में ले जाया जाता है और वहां पर उन दोनों को बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। ये सब कुछ देखकर सिया और विवान बहुत खुश हो जाते हैं और विवान को लगता है कि ये कोई सपना है। विवान कहता है कि उसने ये 6 दिन बहुत एंजॉय किया है। विवान के पास फिलहाल कोई जॉब नहीं था और वो कहता है कि वो अपने इस थके हारे जिंदगी से बोर हो गया है और सही मायनों में कुछ करना चाहता है और वो अपनी जिंदगी से जुड़े हुए सपनों के बारे में बात करता है। और वो जब ये सब कुछ कह रहा था तभी वहाँ पर इस रिसॉर्ट के ओनर अब्दुल खान वहाँ आते हैं और वो उन लोगों से ये कहते हैं ये सब कुछ उनके हॉलीडे पैकेज का ही एक पार्ट है और वो उन दोनों से बात करने लगते हैं। और बातों बातों में वो उन दोनों से ये कहते हैं कि उनके रेस्टोरेंट का टाइप एक लाइव गेमिंग वेबसाइट के साथ है और उन लोगों के गेम का नाम है टेबल नंबर 21 और उन लोगों के 80 लाख व्यूअर्स भी है। मिस्टर खान विवान और सिया को ये गेम खेलने के लिए ऑफर करते हैं और वो उन दोनों को इस गेम के बारे में समझाते हैं। वो कहते हैं कि इस गेम में 8 सवाल होंगे जो वो पूछेंगे और यही 8 सवालों से जुड़े हुए 8 टास्क होंगे। सारे सवाल उनके जिंदगी से जुड़े हुए होंगे और उन्हें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा, लेकिन वो दोनों गेम बीच में क्विट नहीं कर सकते और इस गेम की प्राइस मनी है 21 करोड़ रुपए। 21 करोड़ रुपए की बात सुनकर विवान मिस्टर खान पर भरोसा नहीं कर पाता है, लेकिन सिया उसे कहती है कि एक बार ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं और उन लोगों के बारे में उन्हें कुछ खास पता भी नहीं है। विवान सिया से कहता है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन सिया उसे ये गेम खेलने के लिए राजी कर लेती है। उसके बाद उन दोनों से एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है और उन लोगों से इस पेपर्स पर भी सिग्नेचर करवा लिया जाता है कि वो दोनों ये गेम अपनी मर्जी से खेल रहे हैं और वो दोनों इस गेम के सारे रूल्स फॉलो करेंगे। और वो लोग उन दोनों से उनका फोन भी ले लेते हैं और उन्हें अपने तरफ से एक एक फोन देते हैं ताकि वो लोग किसी बाहर वाले से कोई हेल्प ना ले सके। ये इस गेम का ही रूल है कि गेम खेलते वक्त किसी बाहर वाले का मदद नहीं लिया जा सकता। उन दोनों के चारों तरफ कैमराज लगे हुए थे और उन दोनों के हाथों में लायर डिटेक्टर्स भी बांध दिया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो दोनों सच बोल रहे हैं या झूठ। मिस्टर खान उन दोनों से ये भी कह देते हैं कि उन दोनों को सिर्फ और सिर्फ सच बोलना है, तभी वो इस गेम में सर्वाइव कर सकते हैं। और सारी फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद मिस्टर खान गेम शुरू करते हैं और वो अपना पहला सवाल विवान से पूछते हैं, जिसके लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। और मिस्टर खान विवान से पहला सवाल ये पूछते हैं कि विवान को पब्लिक प्लेस में अपनी वाइफ को प्यार जताने में शर्म महसूस होती है या नहीं। विवान इस सवाल का जवाब हाँ में देता है और विवान के जवाब में उसके हाथों में बंधा हुआ लाई डिटेक्टर में ग्रीन लाइट जलती है। इस सवाल के बाद मिस्टर खान विवान को ये टास्क देते हैं, पीजे के सबसे बिजी स्ट्रीट में विवान को सिया को किस करना होगा। और फिर उन दोनों को उस स्ट्रीट में ले जाया जाता है और हर तरफ से पब्लिक और कैमरास उन लोगों को देख रहे थे। विवान पहले थोड़ा हिचकिचाता है और सिया उसे ये कहती है कि कभी ऐसा हुआ है कि उसे सिया को किसी भरे महफिल में किस करने का मन किया हो और वो नहीं कर पाया। तब विवान को उसके कॉलेज के दिनों का याद आता है, जब वो एक क्रिसमस पार्टी में सिया के साथ डांस कर रहा था और वो उसे किस करना चाह रहा था, लेकिन आसपास बहुत लोग होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। और यही सोचते सोचते विवान सिया को किस करता है और वो दोनों अपना टास्क कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं। मिस्टर खान विवान से कहते हैं कि उन दोनों ने 1 करोड़ रुपए जीत लिया है
लेकिन विवान उनके बातों का भरोसा नहीं करता और वो कहता है कि उसे समझ आ गया है कि ये कोई प्रैंक शो है और वो सिया को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी मिस्टर खान उसे उसका फोन देते हैं और विवान अपने फोन को लेकर देखता है कि उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। और उसके बाद उन लोगों को मिस्टर खान पर भरोसा हो जाता है। उसके बाद मिस्टर खान फिर से गेम शुरू करते हैं और दूसरा सवाल वो सिया से पूछते हैं। वो सिया से ये सवाल पूछते हैं कि क्या उनके पति विवान उन्हें पूरे तरीके से जानते हैं या नहीं। सिया इस सवाल का जवाब ना में देती है और ये जवाब बिल्कुल सही होता है। ये सुनकर विवान थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वो सिया को पूरे तरीके से जानता है। इस सवाल के बाद मिस्टर खान सिया को ये टास्क देते हैं कि उसे नॉनवेज खाना पड़ेगा, लेकिन सिया एक वेजिटेरियन है और नॉनवेज देखते ही उसे घिन आती है। विवान मिस्टर खान से बहुत कॉन्फिडेंटली कहता है कि सिया जहर खा लेगी लेकिन फिर भी ये नहीं खाएगी। लेकिन मिस्टर खान विवान से कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और इसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। और तभी सिया वो नॉनवेज खा लेती है। ये देखकर विवान बिल्कुल हैरान हो जाता है और ये खाना खाकर सिया उल्टी कर देती है, लेकिन फाइनली वो अपना टास्क कंप्लीट करती है। और मिस्टर खान उन दोनों को इस बात की बधाई देते हैं कि वो दोनों 2 करोड़ रुपए जीत गए। इसके बाद तीसरा सवाल मिस्टर खान विवान से पूछते हैं और वो उससे ये पूछते हैं कि विवान ने इससे पहले कभी किसी को मैनिपुलेट किया है या नहीं। और ये सवाल सुनते ही विवान को ये याद आ जाता है कि कॉलेज में कैसे उसने सिया के बॉयफ्रेंड बॉबी को ये झूठ कहा था कि सिया उसके साथ चीटिंग कर रही है। और इसके बाद सिया और उसके बॉयफ्रेंड के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे थप्पड़ मार देता है। और उसके बाद से ही सिया और विवान का रिश्ता हो पाया था और विवान हाँ कहता है और उसका जवाब भी बिल्कुल सही होता है। इसके बाद मिस्टर खान विवान को ये टास्क देते हैं कि विवान को उन्हें मैनिपुलेट करके उनके जगह से उन्हें थोड़ी दूर एक जगह पर भेजना पड़ेगा। लेकिन विवान उनसे कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो उस दूसरे जगह पर होते तो वो 3 ऐसे शब्द कहता जिसके लिए वो यहाँ पर आ जाते। ये सुनकर मिस्टर खान उस जगह पर चले जाते हैं और विवान से ये पूछते हैं ऐसे कौन से 3 शब्द है जिससे वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे। लेकिन तभी सिया उनसे कहती है कि विवान ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है क्योंकि उसने आपको यहाँ से उस दूसरे जगह पर भेज दिया है। और ये समझने के बाद मिस्टर खान अपने ही बेवकूफ़ी पर हंसने लगते हैं और सिया और विवान 3 करोड़ रुपए जीत जाते हैं। और इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि वो अपने प्यार को बचाने के लिए क्या अपने हर डर का सामना कर सकता है। तो विवान इस सवाल के जवाब में हाँ कहता है और उसका जवाब बिल्कुल सही होता है। और उसके बाद मिस्टर खान उन दोनों को एक जगह पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो सिया को एक कांच के बॉक्स में बंद कर देते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 7 मिनट तक ही रहेगा। और इन 7 मिनटों में विवान को एक बॉटल में अपना 0.5 लीटर खून भरना पड़ेगा, जिसके बाद ही उसे उस बॉक्स की लॉक खोलने का चाबी मिलेगा। ये सब कुछ देखकर विवान बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन फिलहाल सिया को बचाने के लिए वो अपना खून उस बॉटल में भरने लगता है और विवान को खून से डर लगता है। एक बार कॉलेज में विवान के कुछ दोस्त एक जूनियर को रैगिंग करने के लिए उस पर लाल रंग डाल देते हैं और वो बिल्कुल खून जैसा ही लग रहा था। उसे देखकर ही विवान बेहोश हो जाता है। किसी तरह विवान उस बॉटल में अपना 0.5 लीटर खून भर के और उस चाबी को लेकर सिया को बचा लेता है। और विवान मिस्टर खान से ये कहता है कि अगर सिया को कुछ हो जाता तो, लेकिन मिस्टर खान कहते हैं कि सिया को तब कुछ होता अगर विवान उनसे झूठ कहता, क्योंकि इस गेम में अगर आप झूठ कहेंगे तो ही आप मर सकते हैं। और वो कहते हैं यू विल ओनली डाई इफ यू लाई। और वो दोनों अपना ये टास्क भी कम्प्लीट कर लेते हैं और 4 करोड़ रुपए जीत जाते हैं। लेकिन विवान और सिया को ये समझ आता है कि ये गेम अब सीरियस होता जा रहा है। इसके बाद मिस्टर खान सिया से ये सवाल पूछते हैं कि अगर उनके सर पर बाल नहीं होगा
तो क्या फिर भी उनके पति उन्हें ऐसा ही प्यार करेंगे? तो सिया इस सवाल के जवाब में हाँ कहती है और उसका जवाब बिल्कुल सही होता है। और इस सवाल के बाद मिस्टर खान सिया को ये टास्क देते हैं कि सिया को अपने सारे बाल मिस्टर खान को देना पड़ेगा, लेकिन सिया उन्हें मना करती है और विवान उससे कहता है कि वो ऐसा कर दे। मिस्टर खान उनसे कहता है कि विवान सिया के सारे बाल काट दे और वो विवान को एक रेजर देते हैं ताकि वो सिया के बाल काट सके। लेकिन तभी विवान कहता है कि उन्होंने बाल काटने के लिए कहा था, शेव करने के लिए नहीं। लेकिन मिस्टर खान कहते हैं कि उन्होंने सिया के सारे बाल मांगे थे। और ये सुनकर विवान उन्हें ये करने के लिए मना कर देता है और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और मिस्टर खान भी उन लोगों को फिलहाल के लिए जाने देते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि उनके हाथों में बंधा हुआ लाई डिटेक्टर बीप कर रहा है। और तभी मिस्टर खान उन लोगों को कॉल कर ये कहते हैं कि अगर वो दोनों 10 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो ये फट जाएगा, और उन लोगों को वापस बुला लेते हैं। ये सुनकर वो दोनों वापस चले जाते हैं और उन दोनों को मजबूरन गेम कंटिन्यू करना पड़ता है। और विवान रेजर से सिया के सारे बाल शेव कर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो का सेकेंड पार्ट ज़रूर देखें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इस चैनल में आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।